तोराना में अशासकीय शाला प्रतिनिधि संगठन के तहसील अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में सोमवार को समस्त अशासकीय शाला के संचालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम एकता जायसवाल को ज्ञापन सौंपा है। हम अपना हक मांगते नहीं कोई से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं कोई से भीख मांगते, हम सब एक है, हम सब एक है। ज्ञापन देने के बाद अध्यक्ष गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पिछले 2 वर्षों से आरटीई फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा नहीं की गई है, जिससे आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नाम एसडीएम एकता जायसवाल जी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन की मांग है कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं वो पिछले इनकी जो आरटीई की फीस पिछले 2 सालों से शासन के द्वारा जो दी नहीं गई है वो हम सब लोगों का अधिकार है और हमने अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है और हम लोगों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी हमारी जो आरटीई की फीस है आप हमें दीजिए। साथ ही जो मान्यता नवीनीकरण में 20,000 रुपये की राशि लग रही है हमने उसका भी विरोध किया है, क्योंकि आपने 2 सालों से हमारी राशि तो दी नहीं और अब हम लोगों से राशि जो मांगने का कार्य कर रहे हैं वो हम लोगों की आर्थिक स्थिति को गड़बड़ कर रहा है। तो इस मांग को लेकर आज सभी साथियों ने मिलकर शिवराज सिंह चौहान जी के नाम एसडीएम जी को ज्ञापन सौंपा है। जीएसआर टाइम्स के लिए तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट।